पेपर लीक मामले में ईडी की प्रदेश में छापेमारी जारी है। ईडी की दिल्ली से आई टीमों ने छापे मारे हैं। बाड़मेर, पाली, जालौर सहित करीब 27 स्थानों पर कार्रवाई की जा रही है। करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं, ये कहा जा रहा है, बताया जा रहा है। कई लोगों पर कसा जा सकता है शिकंजा, तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। पेपर लीक मामले में ईडी की अब एंट्री हो गई है। अब प्रदेश में ईडी की छापेमारी जारी है। ईडी की दिल्ली से जो टीमें आई हैं, वो लगातार कई स्थानों पर छापा मार रही है, जिनमें बाड़मेर शामिल है, पाली, जालौर सहित कुल मिलाकर 27 स्थानों पर कार्रवाई की जा रही है। ईडी की तरफ से करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं, ये जानकारी मिल रही है। और सबूत मिलने के बाद ईडी की टीमें प्रदेश में आई हैं और अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थानों पर छापा मारा जा रहा है। कई लोगों पर शिकंजा कसा जा सकता है, ये भी माना जा रहा है। लेकिन इससे थोड़ी देर पहले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि चुनाव से पहले ईडी की एंट्री होना तो जग जाहिर है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि चुनाव थे तो ईडी की एंट्री हो गई थी, जिन राज्यों में चुनाव होते हैं ईडी की एंट्री इस तरीके से ही हो जाती है। हालांकि सवाल भी उनकी तरफ से उठाया गया कि राजनीति से प्रेरित है ये कार्रवाई, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने स्वागत भी किया है। उन्होंने कहा है कि अगर वाकई में सबूत मिले हैं तो फिर हम स्वागत करते हैं, निष्पक्ष तरीके से पूरी इस पूरे मामले की फिर जांच हो जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन क्योंकि सरकार की तरफ से पहले ही जो लोग शामिल थे पेपर लीक मामले में, उनको गिरफ्तार भी किया जा चुका है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि जिम्मेदारी तो हमारी बनती है, हमने कार्रवाई भी की है, जो लोग शामिल थे पेपर लीक मामले में हमने उन्हें जेल में डाल दिया है, कार्रवाई हम कर रहे हैं, तो फिर ईडी की एंट्री क्यों? लेकिन बाद में जब उनसे सवाल किया गया इसको लेकर, तो उन्होंने कहा कि अगर वाकई में सबूत है तो ठीक है, स्वागत करते हैं हम इस कार्रवाई का और ईडी जो आई है प्रदेश में उसका। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बाड़मेर, पाली, जालौर सहित करीब 27 स्थानों पर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। तो पूरा मामला पेपर लीक का, और पेपर लीक मामलों में जिन जिन के नाम शामिल थे उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा भी था कि बख्शा किसी को भी नहीं जाएगा, जो इस पेपर लीक मामले में शामिल होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, और उसकी मद्देनजर कार्रवाई भी हुई थी। और ये चार तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बाड़मेर, डूंगरपुर, जालौर, अजमेर की ये तस्वीरें हैं, किस तरीके से ईडी की टीमें पहुंची हैं और वहां पर कार्रवाई की जा रही है, दस्तावेजों को जुटाया जा रहा है, क्योंकि ये कहा गया है कि पुख्ता सबूत है मनी लॉन्ड्रिंग के। मनी लॉन्ड्रिंग के पुख्ता सबूत होने के चलते ईडी की एंट्री हुई है प्रदेश में। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि चुनाव जहां जहां होते हैं इस तरीके से ईडी सीबीआई की एंट्री हो जाती है, और ऐसे में प्रदेश में जो ईडी की कार्रवाई की जा रही है लगातार काफी समय हो चुका है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं ईडी की तरफ से, अब देखना होगा कि इसमें किस किस पर शिकंजा कसा जाता है। हालांकि जो आरोपी हैं, जिन पर आरोप लगे थे, उनको पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। और अजमेर से शुभम मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या जानकारी उनके पास है, आप तक पहुंचाते हैं। शुभम, बताइए जरा कितना समय हो गया है ईडी की कार्रवाई को, अभी कुछ मिला है क्या, कुछ बताया गया है, कोई जानकारी भीतर से मिल पा रही हो? जी बिल्कुल सही कहा आपने, जो प्रदेश के अंदर जो पेपर लीक मामला था उसको लेकर के लगातार मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता जा रहा था, जिसके अंदर ईडी के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद आरपीएससी के सेक्रेटरी, जो तत्कालीन सेक्रेटरी थे हरजी लाल, उनको और जो आरपीएससी के अध्यक्ष हैं संजय श्रोत्रे, उनको ईडी के द्वारा समन भेजा गया था और कार्यालय बुलाकर के पूछताछ करने के लिए उन्होंने नोटिस जारी किया था। लेकिन अब आज प्रदेश के अंदर जो ईडी की एंट्री हुई है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम है ईडी का, क्योंकि आप देख सकते हैं मैं खड़ा हूं बाबूलाल कटारा के सरकारी आवास पर, उस आवास पर जहां पर है, जब यहां पर जेल से बाहर थे तब वह यहां पर रहा करते थे और यहां से ही आरपीएससी का सारा काम संभाला करते थे। आप देख सकते हैं, आपको एक वाहन दिख रहा होगा जो कि जयपुर नंबर का वाहन है, बताया जा रहा है कि ईडी की टीम जो है इसी वाहन में आई है, इसके अंदर कुछ सुरक्षा गार्ड भी मौजूद हैं। हालांकि जो सुरक्षा गार्ड है वो अभी घर के बाहर की तरफ थे, लेकिन अब वो गार्ड घर के अंदर की तरफ हो गए हैं। बताया जा रहा है कि लगातार जो ईडी को है, जो कई सबूत मिले हैं जिसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आ रहा है, क्योंकि जो पेपर लीक का मामला था उसके अंदर कई मिले थे, जिसके बाद ईडी ने इसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के मुकदमा दर्ज किया गया था। हालांकि बताया यही जा रहा है कि प्रदेश के अंदर 27 ठिकानों पर ये कार्रवाइयां की गई, और इसी के तहत अजमेर का जो आवास है, सरकारी आवास है बाबूलाल कटारा का, वहां पर भी टीम पहुंची और अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। हालांकि टीम अभी भी अंदर मौजूद है, लेकिन यहां पर जब दो वाहन आए थे, जिसमें से एक वाहन बताया जा रहा है कि आरपीएससी की तरफ गया है, हो सकता है कि आरपीएससी में जो उनका सरकारी कार्यालय है बाबूलाल कटारा का, वहां पर भी ईडी जो है वो अपनी तफ्तीश कर रही हो। बताया जा रहा है कि कई डॉक्यूमेंट और फाइलों को लेकर के पूर्व
एसओजी की टीम ने भी जब्ती इसी कार्यालय से की थी और जब्ती के साथ ही जो है मामले के अंदर और भी जो पड़ताल है वो आगे की तरफ बढ़ाई गई थी, जिसके बाद अब ईडी भी जो जब्ती है, आप देख सकते हैं जो सुरक्षा गार्ड है सीआरपीएफ के, वो यहाँ पे मौजूद आपको दिख रहे होंगे। मेरा कैमरा पर्सन तीरथ राम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो कार्रवाई है वो अंदर चल रही है। कई फाइलें, कई डॉक्यूमेंट्स को लेकर के अंदर पड़ताल की जा रही है और हो सकता है कि आरपीएससी का जो कार्यालय बाबूलाल कटारा का है, जहां पर वो बैठा करते थे, वहां पर भी इस तफ्तीश को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि सबसे मुख्य बिंदु जो है वो आरपीएससी का कार्यालय ही रहा होगा, क्योंकि जो पेपर लीक हुआ है वो आरपीएससी का ही पेपर है। और जो जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि जो आरपीएससी का पेपर जैसे बनाने की जो पावर होती है वो चेयरमैन के पास होती है, लेकिन चेयरमैन अपना एक नॉमिनी बना देता है, जिस कारण से वो पेपर सेट करने का जो पूरा परफॉर्म होता है वो सदस्य के पास चल जाता है। तो वो सदस्य बाबूलाल कटारा थे और बाबूलाल कटारा ने उसके बाद वो पेपर को लीक किया और लीक करने के बाद पूरी जो पेपर लीक जैसी घटना है वो सामने आई। अब इसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस बन रहा है वो भी अपने आप में एक बड़ा केस है, क्योंकि इसके अंदर और भी कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि बाबूलाल कटारा और उसके जो जिनको उन्होंने पेपर दिया था और तमाम जो लोग इसके अंदर गुनहगार हैं वो जेल के अंदर थे और उसके बाद से ही लगातार उनसे पूछताछ की जा रही थी। हालांकि बाबूलाल कटारा को भी जो है ईडी के द्वारा नोटिस भेजा गया था, तो उनसे भी अब पूछताछ होगी, लेकिन जो ईडी की अलग अलग टीमें हैं वो प्रदेश के कई आपके पास, क्योंकि आप ये बता रहे हैं कई बड़े नाम भी इस पूरे मामले में शामिल हो सकते हैं। बाड़मेर का रुख करते हैं क्योंकि वहां पर भी ईडी की टीम पहुंची हुई है। अशोक शेरा मेरे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, वहां पर कितने जगहों पर छापेमारी ईडी की जा रही है और कितना समय हो गया इस कार्रवाई को? देखिए दीपिका, सुबह 8 बजे से जो ईडी की टीम है वो बाड़मेर शहर में महावीर नगर जो भजनलाल विश्नोई हैं ठेकेदार, उसके निवास पर पहुंची और सुबह 8 बजे से लगातार जो है ईडी की टीम इनके घर के अंदर है। और ऐसा बताया जा रहा है कि ईडी के 3 से 4 अधिकारी हैं वो यहां पर हैं और केंद्रीय जो पुलिस रिजर्व बल है उनके भी जो जवान है वो चारों यहां घर पर निवास पर है। और मेरे सहयोगी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये भजनलाल विश्नोई का घर है। भजनलाल विश्नोई को रीड पेपर लीक मामले में एसओजी ने पहले गिरफ्तार कर लिया था, वो जमानत पर रिहा है और 2 महीने तक न्यायिक हिरासत में भी रहे थे। और दूसरी अगर मैं बात करूं भजनलाल विश्नोई की, तो रेड पेपर लीक मामले से जुड़े बाड़मेर में कई नाम भी सामने आए थे। हालांकि जो अभी रीट का जो पेपर के बाद जो ईडी की जो एंट्री हुई है, वो तो ईडी की टीम जो है बाड़मेर सुबह 8 बजे से लगातार यहां पर है, विभिन्न प्रकार के दस्तावेज है वो भी जांच कर रही है। फिलहाल ईडी की टीम सुबह 8 बजे से अभी तक कार्यवाही कर रही है। ठीक है अशोक, सांसद हनुमान बेनीवाल हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। हनुमान बेनीवाल जी, क्योंकि एक तरफ तो जो पेपर लीक हुआ उस समय हमने देखा कि उसके बाद कार्रवाई हुई, लेकिन अब जो ईडी की एंट्री हुई है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया आपकी, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस कार्रवाई को? जो रीट का मामला था उसको लोकसभा के अंदर उठाया था और पुरजोर तरीके से लोकसभा में और सड़क से लेकर सदन तक आरएलपी ने रीट एग्जाम को रद्द करने की बात की। पेपर लीक की घटनाओं के खिलाफ हम सड़क पर लड़ रहे हैं, विधानसभा में लड़ रहे हैं, विधायक निलंबित हुए, मेरे 3 विधायक इस बार 1 दिन के लिए लोकसभा के अंदर में। प्रदेश में जो ये भ्रष्टाचार, पेपर लीक, आरपीएससी का भ्रष्टाचार, ईडी की कार्रवाई की भी हमने बात करी, ईडी को एंट्री करनी चाहिए। बार बार मैं सरकारों पर आरोप लगा रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार यह नहीं है, लेकिन गवर्नर क्योंकि केंद्र का होता है, केंद्र के अंदर चार चार मंत्री राजस्थान के केंद्र में बैठे हैं, तो ईडी और सीधा भी 100 वोटों कर सकती है। तो देर आए सवेर आए, चुनाव का समय है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को लगा होगा भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बनेगा। ईडी की कार्रवाई हो रही है, बहुत पहले हो जाने की थी ईडी की कार्रवाई, और मैं तो चाहता हूँ तमाम जो भी पेपर लीक और ये घटना है, ठीक है, ईडी की कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, आप ये कह रहे हैं, ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए।